नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं GDS का सबसे भरोसेमंद चैनल, साथ ही साथ डिपार्टमेंट के बहुत सारे एम्प्लॉयज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे मिलती है हर एक लेटेस्ट अपडेट जो आपको चाहिए होती है। और आज हम बात करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो आज होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं दोस्तों, जो कि सब GDS को इंतज़ार रहता है। 2019 में बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ और 2020 का इस बार सबसे अलग एग्ज़ाम होने वाला है। पहली बार डिपार्टमेंट ने इस तरह का, आप जो अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, पूरा एक नोटिफिकेशन निकाला है, एग्ज़ाम से लेके रिजल्ट तक का डेट पहले ही दे दिया है एडवांस में, जैसे कि बाकी एग्ज़ाम, बड़े बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं UPSC SSC के। तो इस बार लग रहा है कि कोई घपला नहीं होगा एग्ज़ाम में और जल्द से जल्द रिजल्ट आएगा। और इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया गया है कि कब रिजल्ट आने वाला है, कितने दिन में नोटिफिकेशन निकलेगा। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि GDS के लिए आगे आने वाले कौन कौन से एग्ज़ाम है, और हम आपके लिए अब वीडियो बनाएंगे ऐसे जिससे आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। एक कैंडिडेट को सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है और एक सेल्फ स्टडी चाहिए होती है। स्ट्रेटजी हम आपको बना के देंगे पूरा और आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपका 100% सिलेक्शन होगा ही होगा। पूरा स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। एग्ज़ाम आपको बताएंगे कब है, आपके पास ऑलरेडी बहुत महीने हैं और इतने महीने में ये एग्ज़ाम आपको क्लियर करना बनता है दोस्तों। अगर आपने 10th 12th मिनिमम पास किया है तो आपको पास करना ही चाहिए ये एग्ज़ाम, क्योंकि आप अगर ये सारे वीडियोस देखेंगे तो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगी कि एग्ज़ाम किस तरह से होता है, सिलेबस किस तरह से होता है। बाकी के जितने भी, अगर आप 10% भी डिपार्टमेंट के हमारे इस चैनल में हैं तो आप 90% से एडवांस आगे ही रहेंगे। तो आज का वीडियो हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम अभी GDS के लिए आने वाले हैं, और आज रात को 8 बजे आप देखिएगा MTS। सबसे पहले MTS के लिए हम बना रहे हैं वीडियो, MTS का सिलेबस क्या आने वाला है, एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे, नोटिफिकेशन से रिलेटेड सारे डिटेल वीडियो आपको 8 बजे मिल जाएगा। आपको पता है हर रोज रात को 8 बजे नया वीडियो अपलोड होता है, तो चैनल को चेक जरूर कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, तभी जाके सबको फायदा मिलेगा। और आपको बता दें, ये एग्जाम आपको क्लियर करना बहुत आसान होगा, और अगर आप नए GDS है तो आपका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है समझ लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कुछ स्ट्रेटजी तैयार करके देंगे, सेल्फ स्टडी का, सिलेबस भी बताएंगे, बुक्स भी बताएंगे। और आज रात 8 बजे से शुरू होगा कि कैसे आपको MTS के लिए तैयारी करनी है, और कल फिर हम आपको बताएंगे पोस्टल असिस्टेंट, मेल कार्ड, जितने एग्ज़ाम आने वाले हैं डिटेल वीडियो आपको मिलेगा। चलिए आपको आज अभी के वीडियो में हम आपको बताते हैं कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है। सबसे पहले MTS के लिए आपकी हम बात करें तो आपको बता दें कि MTS का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होगा 2/8/2020 को, ठीक है, 2 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन नोटिफिकेशन आज से 3 दिन बाद ही निकल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल को 23 तारीख तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 जून तक आपका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और अपने सर्कल में आप कांटेक्ट रखिएगा किस तरह से करना है। नोटिफिकेशन निकलने के बाद आपको फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है, और इसका क्लोजिंग डेट जो है दोस्तों 13 जुलाई को है, तो 21 दिन के अंदर इसका नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा और रिजल्ट आपको हो जाएगा 40 दिन के बाद, यानी 2/8/2020 को रिजल्ट आ जाएगा 1 अक्टूबर 2020 को। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 60 दिन के अंदर एग्ज़ाम का, 2 महीने के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। ये हो गया नोटिफिकेशन में MTS की बात, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 बजे MTS का सब लोग हाजिर हो जाइएगा, जितने लोग भी MTS का एग्ज़ाम दे के पास होना चाहते हैं। आपका सर्विस कितनी होनी चाहिए, आपका जो डेट ऑफ इनरोलमेंट, आपने ज्वाइनिंग कब की है, सारी डिटेल्स हम आपको 8 बजे बताएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें दूसरा जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है पोस्टल असिस्टेंट का। पोस्टल असिस्टेंट का अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छा जॉब होता है, और इसके लिए ही ज़्यादातर GDS भर्ती होते हैं। और ये कब होने वाला है आपको बताते हैं। पोस्टल असिस्टेंट का यहाँ पे आप देख सकते हैं वैकेंसी 1 साल की है, और ये जो एग्ज़ाम होने वाला है 6/9/2020 को होने वाला है। काफ़ी टाइम है, आराम से पास कर सकते हैं इतने टाइम में, तो SSC का कैंडिडेट भी पास कर लेगा। और ये SSC के सामने तो इस एग्ज़ाम की कोई वैल्यू ही नहीं है, SSC से काफ़ी इजी एग्ज़ाम आता है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट का लेवल पे है, कैंडिडेट्स भी कम है, क्वेश्चन पेपर भी ईजी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन सर्कल को पहुँच जाएगी 28 जुलाई तक, ठीक है, और 17 अगस्त तक इसका फॉर्म भरना चलेगा, और
आपका 6/9/2020 यानी सितंबर के 6 तारीख तक आपका जो है एग्ज़ाम हो जाएगा। 6 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा और आपका इसका रिजल्ट आएगा 5 नवंबर 2020 तक। तो ये आपने नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सारी तैयारी आपको अभी से स्ट्रेटेजी बनानी है तो आप सारी तैयारी अभी से कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा आप पोस्टमैन और मेल गार्ड जो एक और जो अच्छा एग्ज़ाम है जिससे आप परमानेंट बन सकते हैं वो भी होने वाला है। उसका डेट हम देख लेते हैं, उसका नोटिफिकेशन निकलेगा 17 अगस्त को। साथ ही साथ इसका नोटिफिकेशन बंद होगा 7 तारीख को, जो कि होगा दोस्तों सितंबर महीने के, और सितंबर महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा जो कि है 27 तारीख को, 27 सितंबर को, और इसका रिजल्ट 26 नवंबर को आ जाएगा 60 दिन के अंदर। तो तीनों आपको हमने बताया जीडीएस के 3 एग्ज़ाम होने वाले हैं और 3 एग्ज़ाम तो होंगे, लेकिन इसके लिए आपको तैयारी कैसे करनी है, स्ट्रेटेजी कैसे करनी है, सिलेबस कैसे कवर करना है, वो सारी चीज़ें हम 8 बजे बताएंगे। सबसे कल आज जो है 8 बजे MTS का आएगा, इसके बाद इसी तरह से जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं सबके स्ट्रेटेजी कवर हो जाएंगे और सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर 100% सिलेक्शन आपको चाहिए तो चैनल को रेगुलरली फॉलो करना है और बने रहना हमारे साथ। धन्यवाद।